एक तो देखिए मरघट की शांति थी, इतना डर भय था कि कोई सड़क पर निकल नहीं सकता है। राजनीतिक दलों के ऑफिस में ताले बंद थे, कोई राजनीतिक गतिविधि जुलूस नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं हो सकता है, कोई धरने पर नहीं बैठ सकता है, कोई बंद का आह्वान नहीं कर सकता है, किसी नेता का बयान अखबार में नहीं छपेगा। तो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद पड़ी थी और केवल उनके समर्थन में समाचार छप रहे थे, तो उनको और लोग एक से एक बढ़कर, जैसे मैंने कहा ए इंदिरा तेरी शाम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय, जयकारे लग रहे थे। तो इंदिरा गांधी को लगा कि पूरे देश की जनता मेरे साथ है, और जिसको कहते मरघट की शांति, पूरे देश में एक मरघट की शांति थी। और ये बात सही है कि जब इमरजेंसी लगी तो एक पत्ता भी नहीं हिला, तो इंदिरा गांधी का और मन बढ़ गया कि जो बिहार का आंदोलन था, जेपी का आंदोलन था, जिस 25 जून को 2 लाख लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, वो कहाँ चले गए? तो इंदिरा गांधी को लगा कि सारी जनता मेरे साथ है। अब उनके बेटे जो संजय गांधी थे, वो इंदिरा गांधी से बड़े कल्पित थे और वो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। और 20 सूत्री का ऐलान कर दिया गया, ये 20 सूत्री कार्यक्रम, और लोगों को डरा धमका कर बड़े बड़े उद्योगपति सारे लोग 20 सूत्री के समर्थन में। तो इंदिरा गांधी को लगा कि इस मरघट की शांति में जो जनता सड़कों पर नहीं आई इमरजेंसी के विरोध में, इसका अर्थ है कि देश की जनता मेरे साथ है। फिर IB की जो रिपोर्ट थी, वो IB की रिपोर्ट आई कि आप चुनाव करा दीजिए, आप प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। फिर सारे कांग्रेसी यही कह रहे थे कि मैडम चुनाव करा लीजिए, हम जीत कर आ जाएंगे, तो फिर 5 साल के लिए राज करेंगे। और आपको याद होगा कि 72 में लोकसभा का चुनाव होना था, इंदिरा गांधी ने 71 में चुनाव कराया, 1 साल पहले चुनाव कराया। तो इंदिरा गांधी को लगा कि मैं यद्यपि 5 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, इंदिरा गांधी को लगा ये मौका ठीक है, जेलों में बंद है, अधिकांश नेता बाहर भी निकले हैं, तो तैयारी करने के लिए मौका नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद है, जनता का मेरे मुझे समर्थन है, इस गलतफहमी में आकर उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया। नहीं तो मुझे लगता है इस देश में चुनाव ही नहीं होते।